दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप को लेकर काफी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है और साथ ही साथ अडानी पावर जिसने रिसेंटली अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, नंबर्स बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं और अडानी पावर को लेकर नतीजों के बाद में एक और बड़ी खुशखबरी हमें आते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लें अडानी टोटल गेस की, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इस शेयर के अंदर लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं अगर अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन के अंदर भी 1.2% की गिरावट देखने को मिली थी। मंडे के दिन यानी कि सोमवार का दिन अडानी ग्रुप की इन दोनों कंपनियों के लिए अगेन नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि यहां पर MSCI इंडेक्स की जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें इनका जो फ्री फ्लोट है वो यहां पर कट किया जा सकता है। यहां पर रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है, आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप जिसमें MSCI टू रिड्यूस फ्री फ्लोट इन अडानी टोटल गेस एंड अडानी ट्रांसमिशन इन मे रिव्यू। तो यहां पर ये काफी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अब बात करें कटौती यहां पर करी जाएगी तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अडानी MSCI will reduce the foreign inclusion factor for Adani total gas and Adani transmission during index review exercise later this month, the global index aggregator said in a release late Friday. तो जैसे ये रिपोर्ट निकल कर आई वैसे ही अडानी ग्रुप के अंदर शेयरों के अंदर हमें मंडे के दिन हलचल देखने को मिल सकती है। अब अडानी टोटल गैस की बात करें तो अडानी टोटल गैस के अंदर जो पहले फ्री फ्लोट था वो 25% का था, जो कि अब कट करके सिर्फ 14% का रह जाएगा। वहीं अगर अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन के अंदर जो फ्री फ्लोट 25% का था वो अब घटकर 10% का रह जाएगा। तो इन दोनों के अंदर हमें मंडे के दिन गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों के बारे में तो अडानी पावर के साथ में दूसरी कंपनियों को लेकर भी काफी गुड न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं देयरफॉर देयर विल बी नो चेंजेस इन द फ्री फ्लोट एज पार्ट ऑफ द मे इंडेक्स रिव्यू, जिसमें ACC, अंबुजा सीमेंट, अडानी इंटरप्राइजेस जो कि अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अडानी पावर का नाम हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि इन शेयरों के अंदर जिस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टर का फंड आपको आते हुए देखने को मिल रहा था उसी तरीके से यहां पर एज इट इज रहने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं MSCI की कार्यवाही के प्रभाव पर बोलते हुए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर ने कहा है कि FPI और FII अडानी समूह के इन दो शेयरों में अपनी हिस्सेदारी को कम कर सकते हैं क्योंकि यह MSCI को फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर काफी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि FPI और FII भी यहां पर अपनी होल्डिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि अविनाश गोरक्षकर ने यह कहा है कि अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन शेयर की कीमत में गिरावट सीमित है, यानी कि कोई बड़ी गिरावट यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। बात कर लेते हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ने कहा बताया है कि अडानी टोटल गैस के शेयर की कीमत 880 के स्तर तक गिर सकती है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन पर अनुज गुप्ता ने कहा है कि इसके शेयर 900 रुपये से और 880 के स्तर के नीचे जा सकते हैं। बता दें कि BSE पर अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर की कीमत 918 रुपये और 999 रुपये के स्तर पर है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताई है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें उन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगेन रिवाइज किया है। पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 5 बिलियन से भी ज्यादा के देखने को मिल रहे थे, अब सिर्फ $3.8 बिलियन के देखने को मिल रहे हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। अल्टीमेटली यहां पर अडानी इंटरप्राइजेस अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहा है, क्योंकि यहां पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल कर नहीं आया है जो यहां पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे उस पर। साथ ही साथ अडानी इंटरप्राइजेस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए हैं। नंबर्स बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट 94% से इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। 443 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट भी बनाया है। तो अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजिशन को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। अगर अडानी पावर की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अडानी पावर ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी और जिस प्रकार के नंबर्स निकल कर आए हैं मंडे के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर अपर सर्किट भी अगेन देखने को मिल सकता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।